गाइस, वेलकम टू द चैनल इंटरनेट पढ़ाई। मेरा नाम रिया तिवारी है और आज हम हमारे टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम फोर साइट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें थे हरप्पा, मोहनजोदारो, रोपिड एंड वन मोर। फिर अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ डोलावीरा के बारे में। डोलावीरा जो है कच्छ गुजरात के अंदर लोकेटेड है। 1960 के अंदर इसका एक्सकेवेशन हुआ था, एक्सकेवेशन किया था जेपी जोशी ने। फाइंडिंग्स थी यहाँ पे रॉक कंस्ट्रक्शन हुआ था। रॉक कंस्ट्रक्शन अब देखिए इसमें हम क्या बताते हैं। पहले जो था मड ब्रिक्स, जो बर्न्ड ब्रिक्स जो होती थी उनका यूज़ होता था हरप्पा मोहनजोदारो इधर, लेकिन यहाँ पे जो है यूज़ हो रहा है रॉक कंस्ट्रक्शन, मतलब पत्थर का यूज़ करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, थोड़ा मेच्योर फेस है ये थोड़ा। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी इन लोगों ने, इन्होंने पानी को बचाना स्टार्ट कर दिया उस टाइम पर भी। फिर बलक ड्राइवन बाई अ नेकेड ह्यूमन, और एक छोटा सा टॉय मिला था जो उसको एक, मतलब बैलगाड़ी है जिसको एक बिना वस्त्र के एक इंसान चला रहा है। नेक्स्ट है बना वाली, ये फतेहाबाद हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। इसकी एक्सकेवेशन दो बार करी गई थी, 1975 में और 1983 टू 1984। करी किसने थी, डॉक्टर आर एस बिष्ट ने करी थी। इधर फाइंडिंग है टेराकोटा टॉयज एंड प्लॉ बार्ले। ओके, तो मतलब एक छोटा टॉय मिला है खेती बाड़ी से रिलेटेड, और बार्ले मतलब जौ मिला है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार क्या होता है कि हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं लार्जेस्ट साइट कौन सी थी और लार्जेस्ट सिटी कौन सी थी। तो दोनों में डिफरेंस है। लार्जेस्ट साइट, साइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिटीज़। ओके, और जो सिटीज़ होती वो तो आप जानती हैं, एक शहर होता है, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं कालीबंगा की तरफ। हमारी सेवन जो है कालीबंगा है। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। काली मतलब ब्लैक एंड बंगा मतलब बैंगल्स। ओके, 1961 में इसका एक्सकवेशन हुआ था। किसने किया था, बी वी लाल एंड बी के थापर, इन दो जनों ने इसका एक्सकवेशन किया था। ये श्रीगंगानगर राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या मिला था, बेग्ड या फिर बर्न बैंगल्स मिले थे। ओके, बर्न बैंगल्स थे। फायर अल्टर्स मैंने बताया, जो स्क्वायर शेप में जो होते थे जहाँ पे यज्ञ किया जाता था, वो शिवलिंग जो होती है उसके बारे में बात है। तो आप देखिए कि उस टाइम पे भी महादेव की पूजा होती थी। बोन्स ऑफ कैमल्स, कैमल्स की बोन्स मिली थी, मतलब शायद कैमल डोमेस्टिकेटेड होता होगा उस टाइम पे, स्मॉल पिट्स मिली थी। नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात के अंदर लोकेटेड है। इसकी जो है 1955 से लेकर 1962 तक इसकी एक्सकवेशन हुई थी। करी किसने थी, रंगनाथ राव ने। फाइंडिंग, बेड मेकिंग फैक्ट्री। बेड का मतलब मैंने बताया जो माला पहनते हैं उसके अंदर जो मनका मोती होता है उसकी जो फैक्ट्री थी वो। डॉक यार्ड, बटन सील। अब देखिए जो बटन सील है वो क्या होती है, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हम जो सील यूज़ करते हैं वो ऐसे करने वाली, वो बटन सील होती है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, सिलेंड्रिकल सील होती थी, ऐसे चला दोगे तो उस पर छपता चला जाएगा। फिर अब पेंटेड जार, इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर लोगों को पेंटिंग का भी शौक होता था, लोग पेंटिंग भी करते थे। अर्लीस्ट कल्टिवेशन ऑफ राइस। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से कि ये कहाँ पे था, कहाँ पे था, लोथल में था। अर्लीस्ट कल्टिवेशन ऑफ राइस। सेट ऑफ एलिफेंट टीथ, एलिफेंट के टीथ भी मिले हैं यहाँ पर। ओके, राखीगढ़ी की तरफ। राखीगढ़ी जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। 1997 से 2000 के अंदर इसकी एक्सकेवेशन हुई थी, मतलब 3 साल इसकी एक्सकेवेशन चली थी। किया किसने था, अमरेंद्र नाथ ने इसको एक्सकेवेट किया था। राखीगढ़ी जो है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब जो लार्जेस्ट साइट, साइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिटीज, तो वो लार्जेस्ट साइट जो है वो राखीगढ़ी है। फाइंडिंग यहाँ पे क्या है, हमें टॉयज मिले हैं, टेराकोटा टॉयज और पॉटरी मिली है। नेक्स्ट हम आते हैं, टेंथ हमारा है लरकाना। लरकाना जो है पंजाब डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है। आर डी बैनर्जी ने ही इसको किया था एक्सकेवेट। आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो को भी एक्सकेवेट किया था 1922 में। फाइंडिंग यहाँ पे फाइंडिंग में सिर्फ बार्ले मिली है। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा कुछ जो क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस करें। देखिए जो मोस्ट पॉपुलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है, मोस्ट पॉपुलेटेड साइट कौन सी थी, वो थी दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मॉडर्न साइट, मैंने बताया था जब मैंने मोहनजोदारो के बारे में बताया था कि जो मोहनजोदारो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी और वो हरप्पा से भी ड्रेनेज के सिस्टम में काफ़ी बेटर भी था, तो मोस्ट मॉडर्न साइट है मोहनजोदारो।
फिर मोस्ट बिगेस्ट साइट तो है राखीगढ़ी, और लार्जेस्ट सिटी जो है वो है मोहनजोदारो। नेक्स्ट ट्रेड रिलेशन किसके साथ थे आईबीसी के लोगों के, मेसोपोटामिया जो प्रेजेंट ईरान है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को गोल्ड के बारे में भी पता था, सिल्वर के बारे में पता था, कॉपर के बारे में पता था, लेकिन किस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो लोगों को आयरन के यूज़ के बारे में नहीं पता था। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस और सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।